ऐड किया है। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ, और आज का जो व्लॉग है वो है मेरा न्यू टैटू के ऊपर। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे, भाई जगह बची नहीं है, कौन सी जगह टैटू कराना बाकी है। ये कमेंट मुझे डेली लाइफ मिलते रहते हैं, और हर कोई पूछता है कि यार अब कौन सा टैटू कराना, कौन सा टैटू कराना, कौन सी जगह बची हुई है। सो गाइस, मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि एक टैटू कलेक्टर का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा अलग होता है। वो टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप देता है टैटू के लिए। तो कौन सा टैटू कहाँ पे होने वाला है या कौन सा मैं करवाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ एक न्यू स्टूडियो में जो कि है पिगमेंटेड ही। अब आप बोलोगे पिगमेंटेड पे तो आप टैटू कराते रहते हो, तो गाइस ये है उनकी सेकेंड ब्रांच जो कि है नोएडा में। वीडियोज़ वगैरह में तो मैंने बहुत देखा है, रिसेंटली उन्होंने ओपन किया हुआ है, तो काफ़ी टाइम से मैं अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए कह रहा था, तो आज मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है वहाँ पे। और मैं आपको वहाँ का इंटीरियर वगैरह दिखाऊंगा, और मैं आपको आर्टिस्ट से भी मिलवाऊंगा। तो लास्ट में अगर टैटू का उनका टाइम बचा तो उनसे कुछ बातचीत भी होगी। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहें, बाकी जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी चलो, मैं अभी सुबह उठा हूँ, स्नान करना है, पूजा पाठ करनी है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड। बाकी थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इस चैनल पे प्यार दिया, कमेंट किया, हमेशा मुझसे बातें की, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। और जैसे कि आप मेरी एक्साइटमेंट देख रहे तो गाइस चलो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टैटू होने वाला है आज। सो गाइस, जल चढ़ा दिया है, और मैं ना अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे गार्डन में एक चिड़िया ने एक घोंसला बनाया हुआ है, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा गार्डन में चलो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो अभी चिड़िया ऊपर चली गई है, ये रहा वो घोंसला। आई थिंक इसमें बच्चे होंगे डेफिनेटली, ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सकता। तो ये है, और ये रहा बाहर का। तो गाइस, गार्डन कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चलो मैं आपको ना दादी से मिलवाता हूँ। तो ये रही दादी, पता नहीं कहाँ जा रही हैं। ये बहुत प्यारी हैं, और अभी अभी सो के उठी हैं ये, और सुबह तो एक्सरसाइज वगैरह जल्दी करके आ जाती है 4-5 बजे। कहाँ जम जा, ओ कितनी प्यारी है। तो गाइस कमेंट करके बताओ मेरी दादी कैसी लगी आपको, वैसे तो देखा ही होगा, बट जो नए लोग हैं वो बताओ। नहीं, चूहे जैसे दांत हैं इनके पास। सो गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट डेली का, और सबसे पहली बाइट का जो हकदार है वो ये है। चेहरा देखो इनको, चेहरा देखो, चमड़ी बन रही। तो मैं अपने फर्स्ट बाइट अपनी दादी को खिलाता हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि इनकी बॉडी बनानी है मेरे को बहुत जल्दी। बॉडी ये देखो, ये है डोला, ये है बड़ी डोलो में चुमड़ी, चुमड़ी बन रही। बन करियो। हाँ, ये मेरे प्यारे से बच्चे है, घर का एक ऐसा बच्चा कि क्या बताऊं। सो गाइस, घर पे जिनके भी बूढ़े लोग हैं, या दादा दादी या चाचा चाची जो भी बूढ़े लोग हैं, उनके साथ टाइम जरूर बिताना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब मेरे को तो देखते ही होगे मेरे बच्चे। यो, आपका गुड बॉय। तो अभी सबसे पहले करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकलूँगा सीधा नोएडा। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी, हमेशा की तरह मैं कवर ओढ़ रखा होता हूँ। कवर होने का रीज़न यही है कि भाई धूप से बचाओ अपने टैटू को, जितना धूप से टैटू बचेंगे उतने ही वो अच्छे दिखेंगे, क्योंकि टैनिंग आ जाती है तो टैटू बहुत लाइट शो होते हैं। मेरी दादी बैठी हुई है अभी, अभी वो बैग ले जाएंगी। और मैं सभी को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा गाइस, कि जब भी आप घर से निकल रहे हो कोई भी काम करने के लिए, तो अपने माँ बाप के पैर और घर में जितने भी बूढ़े लोग हैं उनके पैर छूना ना भूले।
अम्मा पहला तो ये री मम्मी पहला अच्छा ओ पहला तो अब ले जाएगी दादी मेरा बैग जो कि इनकी डेली की ड्यूटी है तो ये रहा इनका डेली का काम ये देखो ये मेहनती फुल है मेरी दादी ये अब लेंगे हम प्यार की झपकी मेरे बच्चों अपने जाने से पहले इनको मैं एक झपकी देता हूँ प्योरी जी मेरी बच्ची आपको लग रहा है तो गाइस चलते हैं सीधा आपको मैं दिखाता हूँ स्टूडियो चल के ऐसे करती हूँ तो चलो आपको मैं सीधा स्टूडियो लेके चलता हूँ सो फाइनली मैं स्टूडियो पहुँच चुका हूँ ठीक है तो ये बैकवर्ड देख रहे होगे तो ये एंट्रेंस है ये थर्ड फ्लोर पे है तो चलो मैं आपको स्टूडियो दिखा देता हूँ तो ये रहा गेट इंक और डाई नेकेड कुछ प्लेयर्स हैं जो कि लेजेंड है तो ये रहा तो ये रहा पिगमेंटेड टैटूज तो हेलो वंश भाई तो ये वंश भाई जिन्होंने मेरे फेस के बहुत टैटूज किए मतलब बॉडी पे ओवरऑल बहुत सारे टैटूज किए हैं कैसे हो वेरी गुड मैन तो डू समथिंग आज भी ऑलवेज हमेशा की तरह हम लोग उस टाइम पे डिसाइड करते हैं जैसे कि तो ये रहा जो कि हरजोत कर रहा है तो ये कार्तिक टैटू कलेक्टर तो भाई कैसे चल रही है जर्नी आपकी टैटू कलेक्शन की और प्रैक्टिस तो अभी क्या कर रहे हो आप तो यूजुअली ये ट्रेडिशनल स्टाइल भाई सही है सही फुल पावर और ये वाला पार्ट कर रहा है मोहित और मोहित अभी कैलीग्राफी वगैरह स्टार्ट किया उसने ये वाला कौन कर रहा है समीर भाई कर रहे हैं हाँ शायद से देखा था मैंने तो एक समीर है देन ये रहा ये भी नेपाल के आर्टिस्ट हैं उन्होंने किए काल मोक्षा मोहित की कैलीग्राफी ये भी अच्छा लग गया स्लीप को देख के लगता नहीं है ना कि बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी कंबाइन लगती है अब आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेके ऐसे नहीं होता है मेरी खुद भी स्लीव इज लाइक दैट सारे मोस्टली अलग अलग आर्टिस्ट हैं बट लगती है हाँ ये है ये सही चीज़ है क्योंकि सिंगल आर्ट और एक मल्टीपल आर्ट को कंबाइन करके स्लीव बना रहा है डिफिकल्ट टास्क कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना बन जाए जो अलग ही लगे वही तो
सो अब लिया है हमने ब्रेक और ये नया ऐड हुआ है, देन उसके बाद ये भी नया ऐड किया है। सो फाइनली मेरा टैटू ख़त्म हो चुका है अभी के लिए, वाइट और थोड़ा सा ब्लैक वर्क विद ब्लेंड किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये वाला पार्ट किया है जो बहुत ज़्यादा प्लेन था, ये ब्लेंड किया हुआ है। अभी इसमें मेरे ख्याल से एक पैटर्न और करेंगे नेक्स्ट टाइम। और ये वाइटिंग किया हुआ है, इसमें भी हल्का सा एक ब्लैक वाला ब्लेंड करेंगे और प्लस ब्लू वाला है। बाकी कुछ सर्कल्स हैं, वो सर्कल्स भी ठीक किए हैं। फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और चलो देखते हैं दादी के रिएक्शन होते हैं। क्या करम छाई रात भर नींद नहीं आई, फिर सुन बहुत कर लोगो बोला वो तो लात तो नगर वो हजार हजार चल वो कभी कभी बोल करो हैं रोज दूसरा कर लाना। तुमने ऐसे मुंह क्यों बनाना है? यो है ये मेरी चमड़ू बन रही इतने प्यारी है, गुस्सा करके मुंह बना लिया उन्होंने। सो गाइज आपने देखा ही होगा कि भाई मुझे दादी की बहुत गालियाँ पड़ती हैं, और ये हमेशा होता है कि मैं टैटू करवा के आता हूँ तो वो मुझे सुनाती है। बट आपको पता है उस सुनाने के पीछे प्यार है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब वो रिएक्ट करती है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो अब थोड़ा सा आराम करूँगा, क्योंकि ट्रैवल में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को, आज 3 घंटे ट्रैवलिंग में लग गए और फिर टैटू का पेन हो गया, तो वो चीज़ें हैं। और आपको व्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो, और अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करना भी ना भूले। आप लोग कमेंट करते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी उन सभी को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मुझे कमेंट करते हैं और मेरी हर वीडियो देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू टैटू के साथ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सभी को बाय।